श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे एक ऐसी शक्तिशाली साधना के बारे में जिसको हमारे भारत में बैन किया गया है। ये तंत्र साधना इतनी शक्तिशाली है कि एक्चुअली में भारत में इसको बैन लगाना पड़ा है। माता के नवरात्रों का हमारे लिए तो महत्व बस इतना ही है कि माँ हमारे परिवार को खुशहाल रखे और हमारा काम धंधा सही चलता रहे, किंतु अघोर साधुओं के लिए माता के नवरात्रे का विशेष महत्व होता है जो अघोरी लोग होते हैं। तंत्र मंत्र साधना को सीखने वाले लोगों के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण होता है जो नवरात्रि का वक्त होता है। एक साधक पूरे साल तंत्र मंत्र साधना करता है, सीखता है और साल के नवरात्रों में उस तंत्र मंत्र साधना को सिद्ध करता है। नवरात्रों के समय अघोर संप्रदाय सबसे कठिन साधना करता है और उसकी साधना इतनी शक्तिशाली होती है कि यह धन से लेकर स्वर्ग में अपनी जगह भी निश्चित कर सकते हैं। कई बार तो अघोरियों की तंत्र मंत्र साधना से कई देवताओं के सिंहासन तक हिल जाते हैं। आप उस साधना से शायद वाकिफ नहीं हो और बहुत लोग वाकिफ भी हैं। उस साधना का नाम है शव साधना। सब साधना में अघोर या अघोरी शव के ऊपर बैठ कर साधना करते हैं। यह साधना इतनी शक्तिशाली है कि यदि सफल हो जाए तो साधक देवताओं से भी ज़्यादा अधिक शक्तिशाली हो जाता है। वह नाम लेकर व्यक्ति की मृत्यु तक कर सकता है। शव साधना को खुले में तो बिल्कुल ही नहीं किया जाता है। हिमालय की गुफाओं में बैठकर बाबा और अघोरी शव साधना कर रहे होते हैं। इस साधना के लिए सबसे ज़रूरी होता है शव। शव के ऊपर बैठकर आधी रात के बाद यह साधना की जाती है। ऐसा बोला जाता है कि यदि कोई अज्ञानी व्यक्ति साधना को करता है तो शव उसकी जान तक ले सकता है। शव में जान आ जाती है। इसके लिए पहले आपको शव से अनुमति लेनी पड़ती है। शव साधना के लिए जरूरी है कि जिस व्यक्ति का शव उपयोग किया जा रहा है पहले उसे अनुमति ली जाए। शव उसी व्यक्ति का हो जिसकी अकारण मौत हुई। अकारण मौत के कारण उस व्यक्ति की आत्मा आसपास ही होती है और वो अघोरी की मदद करती है। शव पूजा के समय आसपास हजारों लाखों भूतों का अदृश्य जमघट लगा होता है। अघोरी की पूजा इन भूतों से तभी बच सकती है जब वो भूतों से निपट सकता है। आज भी हिमालय के जंगलों में नवरात्रों के समय अघोरी शव साधना करते हैं। अभी शव में जान आ जाती है। सब साधना के अंदर जब पूजा शुरू होती है तो कुछ ही समय में मुर्दा बोलने लगता है। धीरे धीरे मुर्दा खड़ा होता है और तब वह आपके सभी काम करता है। आप बेशक इस साधना को मजाक में लें, किंतु इस साधना की सच्चाई और सत्यता के प्रमाण शास्त्रों में लिखे हुए हैं। यह शव साधना इतनी शक्तिशाली है, तभी तो भारत के हमारे एक प्रधानमंत्री के नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने इसके ऊपर बैन लगा दी थी। इस साधना के लिए शव बहुत ज़रूरी होता है। शव जब नहीं मिलता है तो कुछ तांत्रिक निजी फायदे के लिए व्यक्ति को मार भी देते हैं। शव साधना के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको सही समय और सही मुहूर्त में यह साधना करनी होती है। यह साधना बैन है इसलिए अघोरी छुप कर इस तरह की साधना करते हैं। इस प्रकार शव साधना जैसी शक्तिशाली साधना से हर कोई डरता है और उसके साधक से हर कोई डरता है। यह साधना करना हर किसी के बस की बात है भी नहीं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।